विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर किया गया सम्मानित। बुलंदशहर के अनुपसर जेपी विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव अवंतिका 2023 व पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वार्षिक उत्सव में आए सभी अतिथियों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। सर्वप्रथम वार्षिक उत्सव में जेपी संस्कृत विद्यालय के संस्कृत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात नृत्य प्रस्तुत किए गए। लोक नृत्य के द्वारा अनेकता में एकता का संदेश उपस्थित जनों को दिया गया। जेपी विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस के छात्र छात्राओं द्वारा कर्नाटक की विभिन्न मुद्राओं को दिखाया गया। जेपी सिटी कैंपस के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए योग की विभिन्न मुद्राओं को देखकर कार्यक्रम में उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहित माधव व डॉक्टर चेतन देखते ही बनता है, लेकिन आगे अनूप शहर के वासियों को क्या सौगात देना चाहते हैं सर? आपके जो काफ़ी आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अब? मुझे ये मेरी सोच है जी सर कि दुनिया के जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, लंदन, उसका मुकाबला करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है बच्चों में वो बहुत बहुत बड़ी है। जिसको चांस मिलता है वही आगे निकल जाता है। ज़्यादातर अमेरिका में और लंदन में जो की पोस्ट हैं, आप देखिए अब मिनिस्टर लेवल पे आ रहे हो लंदन में, अमेरिका में। तो मेरा यही है कि इन जिन बच्चों को पिछले 1000 साल से मौका नहीं मिला और जो वेरियस रीजंस, देश आज़ाद नहीं था, तो ये अच्छी है कि पुरानी जो हमारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो कायम रही, लेकिन अब मौका मिल रहा है तो उसमें हमको जितना बढ़ा सके बढ़ाते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हो? बुलंदशहर वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने हमारे विचार अच्छे हैं उसके हिसाब से जो शहर की और कस्बों की सफाई है वो ठीक नहीं है। सर, आपने एज ए न्यायाधीश के रूप में ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय श्री गौर साहब शिक्षा जगत के हृदय सम्राट हैं, और जो शिक्षा जगत में इन्होंने कार्य किया है वो अद्वितीय है। 8 यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में आपकी चल रही हैं, विभिन्न कॉलेज चल रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं, इतना कार्य, सामाजिक कार्य किया है, धार्मिक कार्य किया है, इतना शिक्षा जगत में कार्य किया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर, अनुपसर में जो जेपी यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? बच्चों को हम संदेश देंगे कि वो निर्भीत रहे, किससे भी डरना नहीं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और नॉलेज लेने में तो किसी में भी वो कम नहीं करना चाहिए, तो पूरा वो अपने लगन से और मन से पढ़ाई करना चाहिए। पूरा दुनिया में हम इंडियंस, हम भारतीय जैसे काम करने वाले और जो ब्रेन है और इंटेलिजेंस है आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। वी आर द बेस्ट एंड वी हैव टू कीप इट एज द बेस्ट। ओनली थिंग इज द होलिस्टिक एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस। अभी ये जो